उन्हें आपके बीच आया हूं। मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूती के अंदर नागौर के बराबर अगर किसी जिले का अधिकार है तो जोधपुर जिले का है। गोपालगढ़ का विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दिया, बिलाड़ा में 40,000 वोट, लूणी में 30,000 और शेरगढ़ में 14,000 वोट देके ये संदेश दिया कि हमारा विश्वास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दल में है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और भोपालगढ़ के विधायक पुखराजी का आज मैंने कहा, मैंने कहा आप बहुत भाषण देते हो, आज मैंने कहा आप मैं जुगा आपकी जगह बात कर सही है ना। एक बजे तक चल गया दोनों काम, एक आज का थोड़ा प्रोग्राम ज्यादा है, रात की 2-3 बज जाते, रोज आप देखते हो परसों के मेरे पीछे दौड़ते रहते हैं, लेट हो गए लेट हो। भाइयों मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि चाहे नेत्रा का टोलना का बंद कराने का मामला हो, चाहे बिजली के आंदोलन हो, या राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने जब लेवी चालू करी थी तो ये भोपालगढ़ बावड़ी की जनता थी, सेने पे गोलियां खाके सादत थी और लेवी को मुझे अच्छी तरह याद है कि आरक्षण आंदोलन भी जो चिंगारी उठी थी वो बाड़मेर जोधपुर की धरती से उठी थी, जयपुर जाते जाते सुनामी बन गई और सरकारों को मजबूर कर दिया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि जोधपुर से रैली करके मैं राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल बजाऊं, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना आ गया और कोरोना ने हमारे कई परिवार उजाड़ दिए। दिल्ली और राजस्थान की सरकारें फेल रही है, गहलोत मोदी पे आरोप लगा रहे थे और मोदी गहलोत को कोच रहे थे, अगर कोई पिछड़ा था कोई मर रहा था वो किसान का बेटा था, मुसलमान का बेटा था, शेड्यूल कास्ट का बेटा था जो ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहा था, रेमडेसिविर के अभाव में दम तोड़ रहा था, ने आईसीयू के अंदर बेड थे और ने वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं थी। भाइयों ऐसा हाहाकार कभी नहीं देखा। हम सब जिंदा बचे इसलिए एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर चले गए, सरकार के मंत्री चले गए दिल्ली के, पता नहीं एक दर्जन से ज्यादा तो आपके श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो 40 नेताओं को श्रद्धांजलि दी लोकसभा। अरे मन का इतने कितने चले गए ध्यान नहीं रहा, अखबारों में खबरें नहीं जानती थी, बड़े बड़े नेता चले गए, अभिनेता चले गए। भाइयों सरकार ने मरने के लिए हमें छोड़ दिया, ऊपर वाले की कृपा थी कि हम लोग आज एक दूसरे के बीच में। लेकिन गहलोत साहब जनता से बहुत बुरे इज रख रहे हैं, 6 महीने हो गए घर से बाहर नहीं निकले, आगे शीशा लगा रखा कोरोना आ जाएगा कोरोना आ जाएगा, और कोरोना आ भी गया चला भी गया, कल तो बीमार पड़ गए थे। इसमें उनकी बुराई आज कम करूंगा, वो अस्पताल के अंदर है, मुझे ज्यादा बुराई करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जल्दी स्वस्थ होकर लौटे, लेकिन कुछ काम करे लोगों के, खाली लौटने से काम नहीं चलेगा, पब्लिक के काम करने होंगे। गहलोत वसुंधरा के गठबंधन ने 22 साल राजस्थान को जमकर लूटा और अब की बात तो 100 गहलोत धृतराष्ट्र बन गए, अपने बेटे को एमपी एमएलए बनाने के लिए सारे नियम कायदे ताक पर रख दिया, जो भी गया उसी का काम कर दिया। विधायकों ने इस बार ऐसी गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर करी, हर कोई मुख्यमंत्री बन के बैठ गया अपने इलाके के अंदर, जो भी कांग्रेस के विधायक है वो अपने आप को वहां का सीएम समझते हैं। दुर्भाग्य इस बात का आज जोधपुर के अंदर सरे हम चाकूबाजी करता हूँ, 11 भील परिवार की हत्या हो गई, 11 जनों के एक परिवार में लूट खसोट अपराध सर चढ़ के बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ज्यादा अगर अपराध के अंदर स्टेट है
वो राजस्थान महिला उत्पीड़न और बालिकाओं बालकों के दुराचार और व्यभिचार के लिए नंबर एक पे राजस्थान आ गया। भाइयों, इसके लिए जिम्मेदारी सरकारें, वसुंधरा के राज में जो थानेदार स्थित है, वही गहलोत के राज में जो आईजी संभाग के आयुक्त वसुंधरा के टाइम थे, वही गहलोत के टाइम वसुंधरा ने बंगला खाली नहीं किया। गहलोत नया कानून बना के सुप्रीम कोर्ट को मैं नहीं मानता, मैं तो रखूंगा वसुंधरा को मेरे सामने वाले घर में, मेरे सामने वाले घर बंगला। मैडम ने क्या बंगला बहुत अच्छा बनाया, एक बार कोई आर्मी चला गया तो वापिस आने का मन ही नहीं करता उसका, बहुत स्विमिंग पूल और पता नहीं क्या क्या हाईटेक बंगला बनाया। इसलिए लोग भंवर जाल के अंदर फंस जाते हैं उसके मैडम, जैसे आपके नेता भी जो भंवरी के भंवर जाल में फंसे थे, नहीं फंसे चुके। इसी तरह कई नेता वसुंधरा के भंवर जाल के अंदर फंस गए। हमारे किरण लाल जी मीणा जो मेरे साथ लड़ाई लड़ते थे और वसुंधरा ने ऐसा चक्कर चलाया कि मुझे छोड़ के उसके भंवर जाल के अंदर फंस गए। किरण लाल और मैं अकेला रह गया, लड़ रहा हूँ, मैं थकने वाला नहीं हूँ। मेरे साथ रहने वाले थक जाए थे, मैं नहीं थकूंगा। भाइयों, इस चीज का ध्यान रखना, हनुमान बेनीवाल जो कहता वो करता है। जब देश का अंदर था, तकलीफ के अंदर था, किसान संकट में थे, तीनों कृषि बिल बीजेपी की सरकार लेके आई, किसानों के खिलाफ काले कानून, तब मेरे सामने दो विकल्प थे, या तो पड़ोसी छाड़ी सत्ता भोग लेता, या मेरे किसान भाइयों के अंश पहुंचता जो अलग अलग स्टेट के बॉर्डर पे बैठे हुए थे। मैंने अपने मन से निर्णय लिया, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी किसान कौम तकलीफ के अंदर है, अगर आज मैं इनके काम नहीं आऊंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मैंने सत्ता को ठोकर मारी और 60 दिन यहाँ मुसलमान भाई भी बैठे अच्छी तादाद के अंदर, मेरे मुसलमानों से अच्छे रिश्ते, मेरे को एक ही बात कहते हैं कि हनुमान जी हम सारे सारे आपके साथ आ जाएंगे, बस आप मोदी जी को छोड़ दो। वो छोड़ दिया मैंने मोदी जी, आ जाओ आ जाओ, और गारंटी ले रहा हूँ आपको विकास के मामले में आगे लेके जाएंगे। कांग्रेस ने आपका एक मंत्री बनाया साले मोहम्मद वक्फ मंत्री, वक्फ मंत्री, और शेड्यूल कास्ट का कितने मंत्री राजस्थान का, एक दो होंगे उनके मैक में देख लो भाई। जीत का और ध्यान आपको देना होगा, अगर अब भी हम नहीं समझेंगे कभी नहीं समझ पाएंगे। आज शिक्षा के मामले में मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट के लोग कितने पीछे, आप जिन मोहल्लों के अंदर रहते हैं देखो हलचल, सिर्फ वोट के टाइम कांग्रेस को मुसलमान याद आते हैं, और वोट जब चला जाता है तभी कहते हैं अपना डालेंगे, वो कह रहे हैं इनको छोड़ो बाकियों को, बाकी में कितने लेते हैं तो अपना आप देंगे, हमारे जेपी वोट है। इस बात को आपको इस राजस्थान के अंदर दोहरा है, क्योंकि देश के अंदर जामी तीसरी ताकतें खड़ी हुई, जामी धड़फंड पड़े, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दूसरे स्टेट हो, वहां मुसलमानों के बिना तीसरी पार्टियां खड़ी नहीं हुई। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ मेरे मुस्लिम भाइयों से, मेरे शेड्यूल कास्ट के भाइयों से, आओ कदम से कदम मिलाकर चलते। राजस्थान का सिंहासन हमारा इंतजार कर रहा है, 23वें और चुके तो फिर हनुमान बेनीवाल जैसे लड़ाका दोबारा आपको बार बार नहीं मिलेगा। इस मौके को चूकना नहीं है, मौका है सत्ता पे कब्जा करना है। अगर सत्ता पे कब्जा कर लोगे तो कर्ज माफी एक लाइन, कर्जा माफ, बिजली या तो लोकतंत्र में जनता की ताकत हो सरकार को झुका दे, या कलम की ताकत हो अपने लोगों को भला कर। कलम की ताकत है नहीं और जनता की ताकत कोरोना काल में दिखा नहीं पाए। अब जोधपुर धरती से आगाज करेंगे, आप लोग मेरा सहयोग आशीर्वाद देना, जयपुर चलेंगे, पड़ाव डालेंगे, आप चिंता पड़ी तो दिल्ली को घेर लेंगे, दिल्ली के सारे रास्ते में देख के आ गया, आप चिंता मत करो। और जिन चीजों को लेकर चलेंगे वो नए राजस्थान के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का होगा। लोग मेरे पे जाति का आरोप लगाते हैं, टोल मुक्त या मेरी जाति का ही होगा, या बिजली फ्री सिर्फ जाटों की होगी, क्या खर्चा हमारे पास ही सब लोगों ने खर्चा ले रखा। भाई हनुमान बेनीवाल ऐसा नेता है तो तमाम जातियों की, 36 कौम की बात हर समय मैंने दूसरी जाति के नेताओं को देखा, कभी नाम ही नहीं लेते, खुद के समाज का नाम लेते हैं और या कांग्रेस बीजेपी का नाम लेते हैं।
कोई झंडा विरोध पकड़ता है, दूसरा झंडा पकड़ता है, कम से कम तमाम राज्यों की बात तो हटाओ। राजस्थान लोकसभा के अंदर राजस्थान को विशेष दर्जा देने की अगर किसी ने बात करी, हनुमान बेनीवाल ने करी। जब प्रदेश के अंदर टिड्डी का प्रकोप था, किसानों के अंदर त्राईमाम त्राईमाम मची हुई थी, मैं टिड्डी प्रभावित इलाकों में दौरा भी कर रहा था और लोकसभा में दिल्ली की सरकार को मजबूर किया, घोषणा कराई कि टिड्डी प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। पहली बार हुआ भाइयों, जवानों को रोजगार, गर्भवती किसान, कानून का राज। रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़क पर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसा कानून का राज राजस्थान के अंदर चाहिए। मैं ऐसा कानून का राज चाहता हूँ कि गांव का गरीब आदमी थाने तहसील में जाए तो थाना तहसीलदार बोले, बाबा चाय पियोगे कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, मेरा जो कौन देगा, आप दोगे, आपने भोपाल के लिए सीट दे दी और मुझे पता है 23 में फिर दे दोगे ना वापिस। ये तो इतना भोपाल के वाले मेरा साथ देते हैं 20 साल से, और जितना देखिए मैं एमएलए चुनाव में आपको भी वोट मांगने गए, हेलीकॉप्टर में एक सभा करी, आपने वोट डाल दिया, लेकिन पंचायत चुनाव में तो खुद आ गया आपको भी, अब खुद आया हूँ तो वोट भी उतना ही देना, जब आया हूँ तो वोट भी आपको उतनी तादाद के अंदर डालने, 2-3-4 जोरदार जयकारे लगा देगा।